कर्नाटक चुनाव से पहले भाजपा का गिरा बहुत बड़ा विकेट। 3 बार के भाजपा विधायक ने फेंका इस्तीफा, दिल्ली तक मचा हड़कंप। जी हां, आपको बता दें चले कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती जारी हो चुकी है। राज्य की सभी सीटों पर 10 मई को मतदान होंगे, लेकिन इससे पहले कर्नाटक की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा राज्य में बिखरती हुई लगातार नजर आ रही है। दिग्गज नेताओं से लेकर नामी विधायक पार्टी से अपना दामन छुड़ा रहे हैं। अब भाजपा को झटके देते हुए 3 बार के विधायक विश्वनाथ पाटिल ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार की मौजूदगी में विश्वनाथ पाटिल कांग्रेस में आज शामिल हो गए। इस बीच डीके शिवकुमार ने कहा कि 3 बार के पूर्व विधायक विश्वनाथ पाटिल भी हमारे साथ शामिल हो गए। इसके साथ ही चित्तूर एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है, अरविंद चौहान भी हमारे साथ आ रहे। डीके शिवकुमार ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी दिमागों का एक समूह है जिसने देश की भलाई के लिए दांव लगाया। पार्टी के आदर्श देश भर से लोगों को आकर्षित कर रहे। भाजपा के पूर्व विधायक विश्वनाथ पाटिल होबला अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने उनका जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि विश्वनाथ पाटिल उन नेताओं की फेहरिस्त में शामिल है जो भाजपा से टिकट न मिलने पर नाराज चल रहे थे। हाल ही में विश्वनाथ पाटिल ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब उन्होंने विरोधी खेमे में शामिल होकर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।